और ये आप देख सकते हो यहाँ पर अभी फिलहाल काफी लोग सोए भी हुए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने पिछला ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बागेश्वर धाम आया हूँ एंड वो वाला ब्लॉग अभी एंड किया हूँ और ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि रात में पहुँचा था 2 बजे और अभी सुबह सुबह की आरती देखनी है। तो इसलिए मैं फ्रेश हो चुका, नहा वहाँ के एकदम रेडी हो चुका। आप मेरे पीछे देख सकते हो ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो मैं हो चुका हूँ फ्रेश। तो गाइस, आरती होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं सोचा बागेश्वर धाम में देख लेते हैं क्या कुछ कहाँ कहाँ पर है। तो मैं YouTube पर काफ़ी वीडियो देखा था कि महाराज जी कहाँ पर बैठते हैं, कहाँ पर अपना कथा करते हैं, तो वही मैं खोजते खोजते पहुँच चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर महाराज जी बैठते हैं और वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी रहती है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी लोग सोए भी हुए हैं चारों तरफ। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की आरती और बालाजी का दर्शन करवाते हैं। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलो चलते हैं। लेकिन आरती में जाने से पहले हमें यहाँ पर थी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, यहाँ के नियम के बारे में जानने की, पूजा कैसे करनी है उसके बारे में जानने की, प्रसाद क्या लेना है, अर्जी कैसे लगानी है। तो हमें ये सब बताने में मदद किया यहीं के रहने वाले एक भैया ने, जिनकी यहाँ पर प्रसाद की शॉप भी है। जय श्री बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार की। यहाँ के बारे में आप कुछ बताइए, मतलब शुरुआत से जी, यहाँ के गुरु जी के बारे में और यहाँ पे प्रसाद क्या क्या चढ़ता है, कैसे कैसे आना होता है, क्या होता है जी। यहाँ गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो यहाँ के पूज्य गुरुदेव हैं, इन्हें बागेश्वर पीठाधीश। यहाँ जो भी आते हैं अपनी मनोकामना लेके, जो भी व्यक्ति आता है उसकी पूर्ण मनोकामना होती है। यहाँ चार कलर की अजीब लगाई जाती है। पहली लाल कलर की जो होती है वो मनोकामना की होती है, काले कलर की जो होती है वो भूत बाधा के लिए, पीले कलर की शादी के लिए, सफ़ेद कलर की बच्चों के लिए। इसी चार प्रकार की अजियाँ लगाई जाती हैं। अजी बांधने से, 21 परिक्रमा लगाने से ये आपका काम संपन्न होगा। हाँ, 21 परिक्रमा और 21 पेसिंग यहाँ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कष्टों का निराकरण हो सकता है। और यहाँ पे अर्जी कैसे लगाया जाता है, जैसे मतलब अर्जी लगना होता है तो अर्जी कैसे लगाना है? अर्जी यही नारियल को बांधना ही अर्जी कहते हैं। और आपने नारियल बांध दिया तो अर्जी लग गई। अच्छा जी। और कितनी बार आना होता है? 21, कम से कम 21 पेशियाँ यहाँ करना अनिवार्य है। 21 बार आना जरूरी है जी। और ये टोकन वोकन जो भी है, टोकन मिलना, जैसे महाराज जी से मिलना, महाराज जी से मिलने का कोई साधन नहीं है। जब बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की इच्छा प्रेरणा होगी तभी आपको बुलाया जाएगा। आपको नहीं, आपका नाम लेके, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। आप कहीं पर भी बैठे रहिए, महाराज जी को आप देखें या ना देखें, आपको बुला लिया जाएगा। यहाँ का यही दिव्य दरबार लगता है। अच्छा, मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा, हमारे दिमाग में आएगा और हमें उठ के चले जाएंगे जी। आपके दिमाग से नहीं है, महाराज जी खुद नाम लेके, आप तो अपनी जगह पे बैठे रहोगे, महाराज जी खुद आपका नाम लेके बुला लेंगे। अच्छा जी। आपके वस्त्र सहित कि इस कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, उस जगह बैठे हुए हैं, जगह भी सुनिश्चित करके बुला लिए जाएंगे। तो मतलब सब कुछ बता देते हैं जी, पीछे आपके बारे जी जी। और यहाँ पर कितने, मतलब कितनी बार दरबार लगता है बाबा का? बाबा का दरबार तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कितनी बार लगे। जब भी सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार की आज्ञा के अनुसार यहाँ का दरबार चलता है। अच्छा, मतलब कोई सोर्स नहीं है बाबा जी से मिलने? नहीं, कोई सोर्स से पास नहीं, कोई किसी को पैसा नहीं लगता है, किसी भी 1 रुपये का पैसा नहीं लगता है। यहाँ खाना पीना निःशुल्क है, भंडारा चलता है। और पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था यहाँ है नहीं है, महाराज जी द्वारा कब 15-20 बोर हो चुके हैं, पानी नहीं निकलता है, ज़मीन में पानी नहीं है। हाँ, यहाँ के जो टोकन डलते हैं उसमें आप अपना पर्ची पे नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर डाल के एक पर्ची में लिख के बोरी में या कुछ ड्रम वगैरह में डाले जाते हैं। उसमें से ही कुछ पर्चियाँ एक बच्ची के द्वारा उठाई जाती हैं, जो इसमें आपका नाम आ सकता है वो बालाजी सरकार की वो है, महिमा है। अच्छा, मतलब लाखों लोगों में से आपका आएगा नहीं आएगा वो जी 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 उनके ऊपर जी।
वो तो यहाँ नसीब और मन का काम है। जिसके आपके नसीब में होगा तो आपके को दर्शन हो जाएंगे, आपको पर्चा बन जाएगा, महाराज जी के दरबार में आपको वो मिल जाएगा, प्रवेश हो जाएगा आपका, तो आपका पर्चा भी बन जाएगा। आप सच्चे मन से भक्ति करें, लहसुन प्याज बंद कर दें। अच्छा हाँ, ये आपसे पूछना था जी, यहाँ पर जब आ रहे हैं हम जी, तो अर्जी लगाने के बाद लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा जी। कितने दिन के लिए? लहसुन प्याज हमेशा के लिए, जीवन संयंत्र के लिए, जीवन पर्यंत के लिए आप लहसुन प्याज बंद कर दें। बहुत अच्छी अति कृपा होगी और आपको, क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि लहसुन प्याज राक्षस के मल से पैदा हुआ है, इसलिए लहसुन प्याज बहुत से गंदी बदबू आती है, दुर्गंध आती है, इससे देवता वास नहीं करते हैं, इसलिए लहसुन प्याज को आप बंद कर दें। और मान लीजिए अगर हम यहाँ पर आते हैं, अर्जी लगाते हैं और लहसुन प्याज हमको खाना है, तो फिर कितने दिन तक यहाँ से जाने? नहीं, आप लहसुन प्याज टोटल बंद कर दें यदि आपको दरबार में आना है तो। ओके, जय बालाजी सरकार। अब सारी बात सुनने और समझने के बाद हम निकल दिए पहले परिक्रमा करने, जैसे बाकी लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे 21 राउंड परिक्रमा करने में लगभग 50 मिनट का समय लग गया। परिक्रमा करने के बाद अब टाइम हो गया था सुबह की आरती का, तो हम आरती में चल दिए। अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए हमने आरती की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। तो गाइस, आरती वगैरह हो गया है और मैं अंदर वीडियो बनाना चाह रहा था, बट वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं नहीं कर सका। लेकिन उसके बदले मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, जो आरती हो रही थी ना उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप ये पहले सुने। तो ये था आरती का ऑडियो रिकॉर्डिंग। और इस मंदिर के चारों तरफ पूरे 21 बार परिक्रमा लोग करते हैं, आप ये देख सकते हो लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो आरती वगैरह तो हो गया, और जो भी यहाँ का कुछ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ले लीजिए, अच्छा लग रहा है। ये 100 रुपए का है और 150 का है। कितने का है भैया? 20 का। नितिन भाई का पसंद बहुत खतरनाक है। तो गाइस, ये था बागेश्वर धाम का मार्केट, और यहाँ से मैं कुछ सामान भी ले लिया। और आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दरबार यानी पंडाल, जहाँ पर महाराज जी बैठते हैं, गुरु जी बैठते हैं, और शाम को 4 बजे बैठेंगे। फिलहाल तो अभी पूरा पंडाल खाली है, और गुरु जी शाम को 4 बजे बैठेंगे, तो शाम को 4 बजे ये पूरा सज जाएगा और भव्य तरीके से हो जाएगा। अभी तो पूरा देखो कैसे पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त। एक चीज़ यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा कॉमन लग रही है, यहाँ पर पानी की किल्लत। यहाँ पर हर जगह पानी की किल्लत है, हर जगह पानी की कमी है, और ऐसे ही पानी की कमी की वजह से टैंकर यहाँ पर आते हैं, नहाने के लिए भी चार्ज लगता है, पानी यूज करने के लिए भी चार्ज लगता है। मतलब यहाँ पर नल वगैरह नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कुएँ वगैरह भी बनाए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओ भाई, काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं है, मुझे लगा था काफ़ी छोटा सा बना है, बट यार काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो ऐसे ही यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर टैंकर भी आते रहते हैं नहाने के लिए, और रुकने के लिए छोटी छोटी त्रिपाल बनाई गई हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है रहने और खाने और रहने की व्यवस्था, और नहाने की भी। Thank you.
तो गाइस अभी हम आए हुए थे मस्त हरे हरे खेतों में टहलने के लिए, और यहाँ पर आप देखिए दूर दूर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो धाम पर आए हुए हैं ना वो काफ़ी दूर दूर अपना ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी है, इसके वजह से लोग अपना अपना इलाका चुन लिए हैं, पेड़ चुन लिए हैं, उसी के नीचे बैठे हुए हैं। और काफ़ी हरा भरा इलाका है, और यहाँ पर दो साइड में पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी, एक तो ये रहा और एक यहाँ सामने इस साइड में, तो दोनों साइड में पहाड़ियाँ हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई है, और दोपहर के 12 बज रहा है, तो दाल चावल बनाने के लिए बोल दिया हूँ, एक भैया हैं यहाँ पर दुकान वाले, तो मस्त बना रहे हैं, तो चल के खाते हैं। तो यहाँ पर मस्त देसी स्टाइल में प्लेट आ चुका है खाने के लिए, और गिलास भी लग चुका है, और मुस्कुराहट देखिए, इधर भी मुस्कुराहट मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट, सामने अंकल जी हैं। तो गाइस दाल चावल खाकर मस्त मज़ा आ गया, काफ़ी ज़ोर की भूख लगी हुई थी। और अब समय हो गया है भागवत कथा का, तो हम आ गए गुरु जी के दरबार में। और कथा का ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा।